देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर परिषद कार्यालय में मुख्य अधिकारी हर्षला राणे द्वारा ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं जय स्तंभ बाजार चौक में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन जायसवाल के हस्ते शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव विजय बसवार और शहर के गणमान्यों की उपस्थिति में, तो पुलिस स्टेशन सामने में पुलिस उप विभागीय अधिकारी अजय चांदन खेड़े के हाथों थानेदार मारुति मुलुक और सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही शहर के सभी शासकीय अशासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। पश्चात शहर का मुख्य शासकीय ध्वजारोहण तहसील कार्यालय के प्रांगण में उप विभागीय अधिकारी अतुल मेहत्रे के हस्ते तहसीलदार प्रताप वाघमारे, तहसील के सभी अधिकारी कर्मचारी शिक्षक वृंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रतिष्ठित नागरिक आदि की उपस्थिति में ध्वजारोहण सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सामने पुलिस और होमगार्ड के सैनिक NCC कैडेट द्वारा पथ संचलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वहीं 15 अगस्त को सुबह से ही रिमझिम बारिश के बावजूद भी छात्र छात्राओं का और आजादी के दीवानों में भरपूर जोश दिखाई दिया। हर कोई राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने हेतु ललायत था। शहर के चौक चौक में गुब्बारे, राष्ट्रीय ध्वज और साउंड सिस्टम लगाकर देशभक्ति गीतों के साथ शाले छात्रों की रैलियों का उत्साह से स्वागत किया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सामने तहसील कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, पुलिस स्टेशन सहित सभी शासकीय अशासकीय इमारतों को गुब्बारे, फूलमालाएं और विद्युत रोशनाई से सजाया गया। यह विशेष इस अवसर पर सामने तहसीलदार प्रताप वाघमारे द्वारा तहसील के जरूरतमंद 750 छात्रों को शाले सामग्री वाटप का शुभारंभ स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों उपस्थित छात्रों को शाले साहित्य वाटप कर किया गया। इस अवसर पर सामने तालुका मराठा पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष तेज सिंह सावजी, सामने तालुका मराठी पत्रकार संघ के कार्य अध्यक्ष दीपक कटारे, सचिव लक्ष्मीकांत दिवटे, उपाध्यक्ष नीलेश पटेल, समाज सेवी उत्तम कापसे, डॉक्टर भगत, डॉक्टर भूषण सिंबेकर, दिलीप घटे, श्याम चौहान, मुख्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावनेर के स्वास्थ्य अधिकारी, डॉक्टर नगर परिषद और निजी शालाओं के शिक्षक प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पूरे देश के लिए गौरव की बात है, हम आज आजादी का 75वां साल मना रहे हैं। पूरे देश में उत्साह है, हमारे सावनेर में बहुत उत्साह है, हर नागरिक में उत्साह है और मैं सभी भारतवासियों का अभिनंदन करता हूँ, सावनेर वासियों का अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर और उन्हें बधाई दें। बधाई दें। जोश बोला नहीं जाता, जोश जोड़ों लोगों को जब से आज़ादी मिली है तब से वो जोश आज भी बरकरार है। सावनेर वासियों में जो जोश है वो हर जोश पूरे भारत भर में पसरे, यही मेरी इच्छा है सावनेर वासियों की। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।